हम जा रहे हैं आपको डायलिसिस मशीन के बारे में बताने। और डायलिसिस मशीन की कब जरूरत पड़ती है? जब किडनी खराब हो जाती है। जब किडनी क्यों खराब होती है आपको सबको मालूम है। इंडिया में सबसे कॉमन कॉज है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। अगर किसी को डायबिटीज है तो कंट्रोल रखे, किसी को हाइपरटेंशन है, अगर बीपी की बीमारी है तो दवाई खाए, प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट से चेकअप कराए। नहीं तो अगर बीपी कंट्रोल में नहीं रहेगा तो फिर किडनी खराब हो जाती है। जब किडनी खराब हो जाती है तो दो ऑप्शन होते हैं, एक हीमोडायलिसिस और दूसरा ट्रांसप्लांट, और तीसरा एक होम डायलिसिस का भी ऑप्शन है जो कि घर पे लोग कर सकते हैं, जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, सीएपीडी बोलते हैं। नाइट नाइट में भी कर सकते हैं मशीन लगा के। और जब हीमोडायलिसिस जरूरत पड़ती है तो आपको डायलिसिस सेंटर में आना पड़ता है। सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू डॉकी थ्राइस इन अ वीक डायलिसिस कराना पड़ता है। कम से कम सप्ताह में 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। तो ये आज आज इतना। आगे आप लोग जरूर ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और एजुकेशनल वीडियो में आपको शेयर कर सकूं। ओके, थैंक यू।